In a modified setup of YDS Young double slit experiment, it is given that SS2, SSOs, S2 or S1 slits. So SS2 minus SS1 is equal to lambda by 4. That is, the source is not equidistant. मतलब दोनों से बराबर डिस्टेंस पर नहीं है. From the slit S1, S2. So S1 और S2 से जो source है S, वो equal distance पर नहीं है. मतलब S2 ज्यादा है, तो S2 से ज्यादा डिस्टेंस पर है. तो जो लाइट वेव जाएगी वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इन कंपेरिजन टू लाइट मूविंग द डिस्टेंस SS1. तो यहाँ पर एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आ रहा है लैम्डा बाई 4. ये इसने कहा है. एक्चुअल में YDSC में क्या होता है, सोर्स यहाँ पर होता है सेंटर लाइन पर, तो जितनी डिस्टेंस ये होती है उतनी ही है. तो दोनों का पाथ सेम होता है, बट यहाँ पर पाथ सेम नहीं दिया, अलग अलग है. ऑब्टेन द फर्स्ट पार्ट में ऑब्टेन द कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट एनी पॉइंट P ऑन द स्क्रीन इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस S2P माइनस S1P. ये S2P, ये पॉइंट P, और यहाँ पर जो वेव है इसकी डिस्टेंस कितनी S2P, और यहाँ पर S1P. इन दोनों का दिया है डेल्टा. तो एक्चुअल में यहाँ से जो लाइट चली इसने ये डिस्टेंस कवर की प्लस ये, और जो ये वेव गई यहाँ से SS1 और प्लस S1P. तो टोटल पाथ डिफरेंस जो होगा तो किसके एक बार देखो, SS2 प्लस S2P, इस वाली वेव ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया और उस वाली ने, तो SS1 प्लस S1P, ये है एक्चुअल में पाथ डिफरेंस. तो SS2 माइनस SS1 प्लस S2P माइनस S1P. हम जो YDSC में डेरिवेशन करते हैं जनरली इसको लेते हैं, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल होती है, जीरो हो जाता है, क्योंकि S यहाँ सेंटर लाइन पर रखा होता है. तो SS1 और SS2 तो इसको कंसीडर नहीं करते, बट यहाँ करना पड़ेगा, इक्वल नहीं है. तो ये क्या है, लैम्डा बाई 4, और ये क्या दिया है इसमें डेल्टा. ये है पाथ डिफरेंस. अब कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के लिए भी केस बताना है. तो कंस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस क्या होता है, डेल्टा एक्स एन लैम्डा. तो डेल्टा प्लस लैम्डा बाई 4 इक्वल टू एन लैम्डा. तो डेल्टा आ जाएगा एन माइनस 1/4 इंटू लैम्डा. ये कंडीशंस होगी कंस्ट्रक्टिव के लिए. और डिस्ट्रक्टिव के लिए डेल्टा एक्स किसके इक्वल होता है, एन प्लस हाफ लैम्डा. तो डेल्टा प्लस लैम्डा बाई 4 इक्वल टू एन प्लस हाफ लैम्डा. तो डेल्टा विल बी एन प्लस हाफ माइनस 1/4 इंटू लैम्डा. 1/4 इधर माइनस में चला जाएगा, तो ये बचेगा एन प्लस 1/4 इंटू लैम्डा. ये डेल्टा की वैल्यू होनी चाहिए, ये मैक्सिमम एन बाई 4, एन प्लस 1/2 माइनस 1/4, 1/4 ये एन माइनस 1/4 और ये एन प्लस 1/4 लैम्डा. ये मैक्सिमा या कंस्ट्रक्टिव, ये मिनिमा या डिस्ट्रक्टिव. ये था ए पार्ट. बी पार्ट में क्या कहा, डज द ऑब्जर्व्ड सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज लाई अबाउ और बिलो. जो सेंट्रल लाइन है ये स्क्रीन पर ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, मतलब ये स्क्रीन का सेंटर है ओ, तो ओ से अबाउ या बिलो कहाँ बनेगी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ये बतानी है. गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर. रीजन देना है, वैसे तो बिना रीजन के देखो ऐसे बता सकते हैं. सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज वो होती है जहां पर दोनों लाइट वेव के बीच में पाथ डिफरेंस जीरो. तो यहाँ पर SS2, ये इसमें एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आ रहा है, मतलब ये लेंथ ज्यादा है, तो आगे चल के इसकी ज्यादा होनी चाहिए. और ये ज्यादा कब होगी, जब नीचे की तरफ को जो ब्राइट फ्रिंज बनी है वो नीचे की तरफ को बने, क्योंकि ऊपर जाएंगे तो इसकी लेंथ ज्यादा दिखाई दे रही होगी आपको और इसकी कम. तो यहाँ भी ये ज्यादा, यहाँ भी ज्यादा है, तो ये टोटल लेंथ ज्यादा हो जाएगी. हमें तो जीरो करनी, दोनों इक्वल करनी है. तो ये प्लस ये इसके इक्वल होनी चाहिए, दिस प्लस दिस. तो यहाँ पर तो ये ज्यादा है, तो आगे ये ज्यादा होनी चाहिए. ये ज्यादा कब होगी, जब पॉइंट भी ऊपर होने की बजाय नीचे हो जाए, अपना आंसर हो जाएगा बिलो. और अगर आपको ऐसे अगर MCQ है तो ऐसे लगा लेंगे, लेकिन हमें करना है रीजन के साथ. तो इसको कर लेंगे, डेल्टा एक्स क्या होना चाहिए फॉर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, जीरो फॉर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज. ओके, तो डेल्टा एक्स क्या है, ये डेल्टा प्लस लैम्डा बाई 4. तो डेल्टा इक्वल टू माइनस लैम्डा बाई 4. तो डेल्टा माइनस में आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में डेल्टा क्या है, एस
S2P minus S1P equal to minus lambda by 4, इसका मतलब S1P क्या होना चाहिए, ज्यादा S2P से, और ऐसा तभी होगा जब पॉइंट P ऊपर की बजाय किधर हो, नीचे की तरफ को, क्योंकि S2 से लेंथ कम होनी है तो इसके पास होना चाहिए, S1 से ज्यादा होनी चाहिए तो इससे दूर होना चाहिए, तो पॉइंट ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज विल लाई बिलो द पॉइंट